बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिटरेचर ऑनलाइन। आज का हमारा टॉपिक है हीरो एंड हीरो वर्शिप बाय थॉमस कार्लाइल। अच्छा, थॉमस कार्लाइल जो है ये 1795 में इसकी बर्थ हुई थी, ठीक है। और इसके बारे में जो बात है जो भी हमने करनी है वो मैं आपको सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको बताना है, व्हाट इज़ हीरो एंड व्हाट इज़ हीरो वर्शिप, लाइक व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड दिस बुक, ठीक है। तो सबसे पहली जो बात है कि ये बुक नहीं है, ये लेक्चर्स थे जो इसने 1840 में दिए थे, ठीक है। 1840 में डिफरेंट टाइम पीरियड के हिसाब से इसने ये कुछ 6 लेक्चर दिए थे, ठीक है। 6 लेक्चर्स हैं जो इसने दिए थे 1840 में, लेकिन बाद में वो 1841 में पब्लिश हुए बुक फॉर्म में, ठीक है। बुक फॉर्म में ये पब्लिश हुए 1841 में, ठीक है। अब इनको उस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया ये जो 1841 में पब्लिश हुए, क्योंकि 1840 में इसके ये वैसे तो पब्लिक स्पीकर इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जो ये वाले जो लेक्चर्स हैं ये लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किए थे। तकरीबन 300 के करीब ऑडियंस जो है वो इसके लेक्चर्स में हुई थी, शामिल हुई थी, इसीलिए ये लेक्चर्स काफ़ी पॉपुलर हो गए और बाद में इनको बुक फॉर्म में पब्लिश किया गया। ये 6 लेक्चर्स थे, ठीक है। इसने 6 टाइप्स ऑफ हीरोज बताए हैं और 6 काइंड्स ऑफ उनको किस तरह से हाउ टू वर्शिप देम एंड वाई टू वर्शिप देम, ठीक है, इसने इस अपनी बुक में और लेक्चर्स में बताया। अच्छा, थॉमस कार्लाइल के 2 और इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, आपको वो पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है। एक है सार्टर रिजॉर्टस, ठीक है। सॉर्टर रिजॉर्टस एक वर्क है, लेकिन ये इतना फेमस नहीं हुआ था। ये फेमस हुआ जब कार्लाइल ने लिखी फ्रेंच रेवोल्यूशन, जब इसने बुक लिखी उसके बाद जो है इसका जो वर्क है वो फेमस होना शुरू हुआ, और थॉमस कार्लाइल को इस बुक ने इसको दिया फेम एंड मनी, वो इसको फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू मिला, ठीक है। उसके बाद इसका काम जो है वो फेमस होना शुरू हुआ, उसके बाद इसने पब्लिक स्पीकिंग ही शुरू हुई, और उसके बाद ही इसको पब्लिशर मिला सार्टर रिजॉर्टस के लिए, जो कि लिखी तो बहुत पहले गई थी, 1826 में इसने ये वर्क लिख लिया था, लेकिन ये पब्लिश नहीं हो पाया था क्योंकि कोई मान ही नहीं रहा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन की पॉपुलैरिटी के बाद सार्टर रिजॉर्टस भी पब्लिश हो गई, ठीक है। और ये जो लेक्चर इसने दिए थे हीरो एंड हीरो वर्शिप के, ये थॉमस कार्लाइल ने दिए थे लंदन में, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ हीरो है, ये हीरो कहता किसको है, कि हीरो क्या होता है, हीरो कौन होता है, ठीक है। ये कहता है हीरो होता है अ चोजन वन, ठीक है, जिसको चूज किया गया है, ठीक है, जो कि एक इंस्पायर्ड बींग है, हु इज बोर्न टू बी इंस्पायर्ड, ठीक है, कि लोग जो है वो उससे इंस्पायर हों, उससे इंस्पिरेशन लें और उसको फॉलो करने की कोशिश करें, ठीक है। हीरो के पास जो है वो कहता है ग्रेट मैन, हीरो जो होता है वो एक ग्रेट बीइंग होता है, ग्रेट मैन होता है, ठीक है, हीरो जो है। और उसने कहता है ही इज द लिविंग लाइट फाउंटेन विच इट इज गुड एंड प्लेजेंट टू बी नियर, ठीक है। द लाइट विच इनलाइटन्स विच हैज इनलाइटन्ड द डार्कनेस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हीरो इज द वन हु हैज इनलाइटन्ड द डार्क वर्ल्ड, लाइक एक ऐसा बंदा जिसने कोई ना कोई डायरेक्शन दी है आपको, ठीक है, आपको कोई न्यू लेसन दिया है, या फिर आपको कोई न्यू इन्वेंशन या डिस्कवरी उसने की, ठीक है, इन्वेंशन की, डिस्कवरी की, या फिर आपको कोई न्यू कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, वो हीरो ने दिया है आपको, तभी वो एक हीरो है। ये हीरो को उसने कॉन्सेप्ट दिया था कि वो एक चोजन वन होता है, एक इंस्पायर्ड बीइंग होता है, एक ग्रेट मैन होता है, और एक ए पर्सन हु हैज इनलाइटन्ड द डार्क वर्ल्ड, ठीक है। उसने इनलाइटन्ड कैसे किया, उसने ये चीजें दी, या तो कोई न्यू डायरेक्शन दी, क्यों न्यू कॉन्सेप्ट दिया, न्यू आइडिया दिया, न्यू लेसन दिया, न्यू इन्वेंशन की, न्यू डिस्कवरी की, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि जो हीरो होता है उसके पास कौन सी क्वालिटीज होती हैं, ठीक है, कीन इंटेलेक्ट होता है, कीन
इंटेलेक्ट होता है उसके पास, विच ही यूजेस फॉर नोबल पर्पज ओनली. कीन इंटेलेक्ट किसके लिए यूज होना है? नोबल पर्पज के लिए सिर्फ वो यूज करेगा. लाइक किसी को हार्म नहीं पहुंचाएगा वो, ठीक है. द लाइट ऑफ हेवन, वो जो है वो लाइट ऑफ हेवन है. लाइक जो जो डिविनिटी को जानता हो, ठीक है, जो कि एक पर्पस को जानता हो, जो कि एक सोल और एक बॉडी का जो एक कनेक्शन है आपस का, उसको वो जानता हो. ए लाइट ऑफ हेवन विच इल्यूमिनेट्स हिज ओन सोल हेल्प्स हिम टू रिमूव द डार्कनेस अराउंड हिम. इतना पॉजिटिव हो, लाइट ऑफ हेवन का मतलब है पॉजिटिव इंसान हो, ठीक है, नेगेटिविटी उसके पास से भी ना गुजरी हो, वो खुद भी पॉजिटिव हो और उसकी पॉजिटिव वाइब्स आती हो लोगों को उससे, ठीक है. एंड ही हैज अ मिशन टू फुलफिल इन हिज लाइफ, और उसकी लाइफ में कोई ना कोई मिशन हो. लाइक एक पर्पजलेस लाइफ ना गुजार रहा हो, जिस तरह ये एलियट ने अपनी बुक्स में लिखा है, और ये 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के जितने भी नॉवलिस्ट या प्ले राइट्स हैं, वो ये पर्पजलेसनेस जो लाइफ की है उसके बारे में लिखते हैं. तो वो कहते हैं एक हीरो वो है जिसका कोई ना कोई मिशन या गोल होता है लाइफ में, गोल टू सेव द वर्ल्ड, ठीक है. जिस तरह जस्टिस लीग है, सारे हीरो जो है वो निकल पड़े हैं टू सेव द वर्ल्ड. सो अ हीरो हैज अ मिशन टू सेव द वर्ल्ड इन हिज लाइफ. ही हैज टू मेक अ रीफॉर्म अकॉर्डिंग टू हिज ओन लाइट टू इम्प्रूव द वर्ल्ड, ठीक है. मिशन या तो सेविंग हो, सेविंग द वर्ल्ड, या फिर इम्प्रूवमेंट लानी हो वर्ल्ड में किसी किस्म की, ठीक है, ये उसके मिशंस में शामिल होगा. अब हीरो की करेक्टरिस्टिक्स उसने दो बताई. ये उसने कहा कि हीरो की ये क्वालिटीज होती हैं, ठीक है, कि हीरो इन चीजों से हीरो बनता है, कि उसकी लाइफ में ये सारी चीजें होंगी, कि इंटेलेक्ट होगा, इंटेलिजेंट होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, और उसकी लाइफ में कोई ना कोई मिशन होगा. लेकिन कौन सी चीजें जो हैं वो एक हीरो में मस्ट है, लेकिन एक कंपल्सरी चीज है, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है. तो करेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपको लाइक ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड हीरो एंड हीरो वर्शिप, तो आपको पता होनी चाहिए ये चीजें. तो हीरो की दो करेक्टरिस्टिक्स हैं, एक है सिंसेरिटी और दूसरी है ट्रूथ, ठीक है. हीरो वही होगा जिसमें ये दो करेक्टरिस्टिक्स तो होनी ही होनी है, ठीक है. Sincerity, a deep, great, genuine sincerity is the first characteristic of all men in any way heroic. जो भी एक इंसान heroic होगा, sincerity तो होनी ही होनी है उसमें, ठीक है. Sincerity is basically the hallmark of a great man. A real hero, एक real hero वो होगा जिसमें sincerity होगी. Sincerity and truth are the hallmarks for being a hero. He is free from falsehood and pretension. उसमें कोई फॉल्सहुड नहीं होगी, कोई प्रिटेंशंस, कोई दिखावा नहीं होगा, कोई झूठ नहीं होगा, ठीक है. नो वन कैन एवर रिटेन हिज ग्रेटनेस बाय मिसलीडिंग पीपल टू द रॉन्ग पाथ, ठीक है. फॉल्सहुड एंड इनसिंसेरिटी कैन नॉट इंड्योर इन दिस वर्ल्ड, वो कह रहा है दे आर एंटीथेटिकल टू द ट्रू एसेंस ऑफ नेचर, के ये जो फॉल्सहुड और इनसिंसेरिटी है ये तो जो है वो बिल्कुल एंटीथेटिकल है, ऑपोजिट है नेचर के, ठीक है. फॉल्सहुड कैन नेवर बी द बेसिस ऑफ एनीथिंग ग्रेट और गुड, इट कैन ओनली बी bring unhappiness and disaster. जहां पे falsehood होगी, जहां पे insincerity होगी, जहां पे pretensions होगी, जहां पे lies होंगे, there will be unhappiness and discontentment. ठीक है. If you want contentment in life, if you want happiness in life, you have to be sincere. ठीक है. And you have to be around sincere people, true people. ठीक है. And वो कहता है but the sincerity of great man is not of showy kind. जो सिंसेरिटी है ये नो शोई काइंड, दिखावे वाली नहीं होनी चाहिए, प्रिटेंशियस नहीं होनी चाहिए, नो प्रिटेंशंस, ठीक है. ट्रूथ इज मोर वैल्यूएबल टू हिम देन एनीथिंग एल्स. जो भी इंसान होगा वो सिंसेयर होगा और उसके लिए उसका जो ट्रूथ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. टू फॉलो ट्रूथ एट ऑल कॉस्ट इज अ डीप फेथ एंड इफ द लाइफ हैज एनी मीनिंग इट इज बिकॉज ऑफ हिज फेथ इन हिम. If he loses his faith, he becomes worse than an ordinary man. ठीक है, अगर उसका faith चला जाएगा तो वो भी एक आम इंसान या उससे भी बदतर बन जाएगा. The great man does not boost himself. ठीक है, no boosting. वो show off नहीं करेगा. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं truth. कि truth उसकी जो दूसरी quality है, जो characteristic है hero की, वो है उसका truth. A hero has the first distinction which may we may call the alpha and omega of his whole heroism, that he keeps through the shows of things into things, ठीक है, looks through the things, looks through
थिंग्स, वो जो है वो देख सकता है बियॉन्ड थिंग्स, ठीक है, उनकी जो एग्जिस्टेंस की वजह है, पर्पज ऑफ एग्जिस्टेंस. ट्रूथ का मतलब है वो पर्पज ऑफ एग्जिस्टेंस को जान चुका है. एग्जिस्टेंस किसकी? एग्जिस्टेंस इस वर्ल्ड की, एग्जिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बींग्स, एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, ठीक है, वो हर चीज को, एग्जिस्टेंस ऑफ दिस यूनिवर्स, वो इन सब चीजों का पर्पज जान चुका है. ही हैज नोन द ट्रूथ बियॉन्ड लाइक दीज ऑल दीज थिंग्स, ठीक है. वो जो है ट्रूथ इज हिडन बिहाइंड द एक्सटर्नल अपियरेंसेस, ठीक है. बेसिकली द ट्रूथ इज हिडन ना, कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है, हम लोगों को अल्लाह ताला ने पैदा किया है और सारा कुछ, ये यूनिवर्स बना दी है हमारे लिए, सारा कुछ बनाया, हमें अशरफुल मखलूकात बनाया एंड ऑल दैट. तो ये जो हीरो होता है, हीरो जो है वो इन चीजों के ट्रूथ को जान चुका होता है. ट्रूथ इज द गाइडिंग प्रिंसिपल, बिकॉज ट्रूथ क्या है? एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, ठीक है, गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है. द सीक्रेट ऑफ नेचर लाइज हिडन इन हिज हार्ट. जो सीक्रेट ऑफ नेचर है वो एक हीरो के दिल में होगा, क्योंकि आप तभी कुछ सही जान चुके जान सकते हो, आप किसी चीज का ट्रूथ जान सकते हो जब आप वाकई में चाहते हो वैसा, ठीक है. तो एक हीरो की क्वालिटीज क्या होंगी? ट्रूथ एंड सिंसेरिटी आर द बेसिक करेक्टरिस्टिक्स फॉर बींग अ हीरो. और वो कीन इंटेलेक्ट होगा उसके पास, पॉजिटिव होगा वो, और उसका एक मिशन होगा लाइफ में, ठीक है. उसके बाद आ जाता है व्हाट इज हिज आइडिया बिहाइंड हीरो वर्शिप. हीरो वर्शिप को उसने क्यों कहा? हीरो का तो उसने कॉन्सेप्ट दे दिया कि मैं इन लोगों को हीरो मानता हूं, लेकिन फिर हीरो को वर्शिप किन बेसिस पे किया जाए, क्यों किया जाए? हीरो वर्शिप मीन्स द लिमिटलेस एडमिरेशन ऑफ द ग्रेट क्वालिटीज विच एग्जिस्ट इन द हीरो. हीरो वर्शिप का क्या मतलब है? लिमिटलेस मतलब जिसकी कोई लिमिट ना हो, लिमिटलेस एडमायरेशन, के लोग उसकी तारीफ करें, उसको सराहें, ठीक है, प्रेज करें, ऑफ द हीरो एंड हिज क्वालिटीज, जो उसमें क्वालिटीज हैं उसकी तारीफ करें और उसको सराहें, ठीक है, उसकी वर्शिप करें. जो उसमें जो सिंसेरिटी है, अब उसमें कौन सी क्वालिटीज हैं? उसकी सिंसेरिटी है, उसकी ट्रूथ है, उसकी वेरेसिटी है, ठीक है, उसकी ओरिजिनेलिटी है और उसकी जेन्युइनिटी है, ठीक है, ये उसकी क्वालिटीज हैं, ठीक है. ये क्या है? लिमिटलेस एडमिरेशन क्या है? रेकग्निशन ऑफ हिज ग्रेटनेस, रेकग्निशन ऑफ ग्रेटनेस, ठीक है, कि वो जो लोग हैं वो उसको रेकग्नाइज करें, उसकी ग्रेटनेस को, कि ये शख्स अगर हम में से जो है वो ग्रेट है, हम में से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो क्यों है, ठीक है, वो किन बेसिस पे है हम में से ग्रेट, ठीक है. अब ये वो कहता है कि वो क्यों, एक इंसान ही क्यों, एक हीरो जो है, मतलब अगर हम इबादत की बात कर रहे हैं कि उसको वर्शिप किया जाए, तो वाई अ मैन? वर्शिप तो हम करते हैं गॉड की, तो हम हीरो किसी आदमी को कैसे बना सकते हैं? आदमी किन बेसिस पे हीरो बन सकता है? सिंसेरिटी एंड ट्रूथ देखें, आदमी में क्वालिटीज पाई जाती है ना, इंसान में क्वालिटीज पाई जाती है, ठीक है. तो उनको हम वर्शिप इन बेसिस पे करें, लेकिन वाई, जब हमारे पास गॉड्स हैं, हर रिलीजन के अपने गॉड्स हैं, तो फिर हम इंसानों को क्यों कर रहे हैं? तो थॉमस कार्लाइल उसकी अपनी जो है वो वजाहत देता है, वो जस्टिफाई करता है अपने पॉइंट को. वो कहता है मैन इज द टेम्पल ऑफ गॉड, ठीक है. वो कहता है मैन जो है वो टेम्पल ऑफ गॉड है. द हीरो अमंग अस इज स्टिल मोर सैक्रेड, फॉर ही हैज स्टूड फेस टू फेस विद द डिवाइन एलिमेंट इन द यूनिवर्स, ठीक है. क्योंकि उसने क्यों है, वो टेम्पल ऑफ गॉड क्यों है? बिकॉज ही हैज डिस्कवर्ड द ट्रूथ बिहाइंड एवरीथिंग, ठीक है. वो टेम्पल ऑफ गॉड क्यों है? बिकॉज ही हैज डिस्कवर्ड द ट्रूथ बिहाइंड एवरीथिंग, द मीनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स, मीनिंग ऑफ आर एग्जिस्टेंस उसने वो पा लिया है. दैट इज वाई ही हैज बिकम द हीरो, ठीक है. एंड दस टू नो द मीनिंग ऑफ द यूनिवर्स इज टू नो द गॉड हु हैज क्रिएटेड इट. अब मीनिंग ऑफ यूनिवर्स हम कैसे पाएंगे, ठीक है, मीनिंग ऑफ द यूनिवर्स जब हम क्रिएटर को जान जाएंगे. मीनिंग ऑफ यूनिवर्स को हम कैसे समझेंगे? जब हम गॉड को जान जाएंगे जो कि क्रिएटर है, ठीक है. वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बना दिया है, ठीक है, अशरफुल मखलूकात बनाए, क्योंकि हमें सेंसेस डाल दिए हैं, सोच समझ की
जो है वो हमें सोच समझ के हमें वो तौफीक दी है, ठीक है, हम लोगों को इस काबिल बनाया है, हमें अबिलिटी दी है, वी हैव द अबिलिटी टू थिंक, ठीक है, एंड इमेजिन, ठीक है. तो जब वेन वी हैव द अबिलिटी टू थिंक एंड इमेजिन, वी कैन थिंक बियॉन्ड लाइक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, मेटाफॉरिकल जो इमेजिनेशन होती हैं हमारी, हम वो भी चीज़ कर सकती हैं. तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारी सोचने की सलाहियत है, यही हमें खुदा तक पहुंचने का रास्ता बनाती है, ठीक है, बताती है. अल्लाह ताला ने क्या कहा, पूरी कायनात को, सिर्फ दुनिया को नहीं, पूरी कायनात को, द होल यूनिवर्स, अल्लाह ताला ने हमें कहा कि तस्खीर मुसक्कर कर दी, ठीक है, तस्खीर करने की हमें इजाज़त देती है, और हमें इतनी कैपेसिटी डाल दी है कि हम उसको जो है वो फाइंड आउट कर सकें, ठीक है, कि ये सारा कुछ क्या है, ठीक है. और यही उसने कहा कि हीरो वर्शिप जो है वो वही हीरो होता है जो कि ये सारी चीज़ों को पा चुका होता है, ठीक है. इसीलिए उसको वर्शिप करने की जो है वो वर्शिप, ये नहीं कि पूजा की जाए, लाइक सजदे किए जाएं, या वो वर्शिप करने का मतलब है वी हैव टू रिस्पेक्ट देम, हमें उनकी, हम उनकी रिस्पेक्ट करें, हम समझें कि वो लोग हम लोगों से थोड़े से बेहतर क्यों हैं, ऐसा क्या उन्होंने पा लिया है, और जो वो मकसद हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको एक अच्छे तरीके से, एक ट्रूथ तरीके से हम उसको समझने की कोशिश करें, ठीक है. वो कहता है हीरो वर्शिप जो है, वो कहता है फाउंडेशन है रिलीजन की, फाउंडेशन ऑफ रिलीजन, किसी भी रिलीजन की फाउंडेशन क्या होती है, हीरो वर्शिप, हमारा फेथ कितना है, ठीक है. फाउंडेशन ऑफ रिलीजन क्या होती है, हमारा फेथ कितना है अपने खुदा पे, अपने दीन पे, हमारे रिलीजन पे. और हीरो वर्शिप क्या है, एक फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी भी है. फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी कैसे है हीरो वर्शिप, क्योंकि हम अपनी जो नॉर्म्स होती हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं सोसाइटी के, ठीक है, वो हम किन चीज़ों पे बेस करते हैं, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, वो हम किसी न किसी तरह, जो हमारा रिलीजन होता है, जो सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली ही बिहेव कर रहे होते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम अपने नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स बना रहे होते हैं सोसाइटी के. तो ये जो हीरो वर्शिप है, ये दोनों चीज़ों की फाउंडेशन है, एक सोसाइटी की भी और एक रिलीजन की भी, ठीक है. अब वो उसके बाद बताते हैं, एक सोसाइटी जो है वो कहता है कि वो बनती ही तब है जब ये हीरो वर्शिप का आइडिया किसी को समझ आ जाता है, और आप कितना बिलीव करते हो इन चीज़ों पे, ठीक है. इट इज़ लाइक व्हाट वी बिलीव ऑन, ठीक है, हम किस चीज़ पे करते हैं, ठीक है, इज़ द बेसिस ऑफ ह्यूम, कहता है हीरो वर्शिप जो है वो ह्यूमन सिविलाइजेशन की बेसिस है, ठीक है. हमारे डिफरेंट गॉड्स हैं, देखिए हम लोग शुरू से जो चले आ रहे हैं, हमारी जो एग्जिस्टेंस है, ठीक है, हम कितने गॉड्स हैं, वो हर रिलीजन के अपने गॉड्स हैं, अपना हमारा फेथ है, हम डिफरेंट चीज़ों पे यकीन करते हैं, लेकिन इवेंचुअली आ जाकर हम वो एक वन क्रिएटर को हर कोई मानता ही मानता है, ठीक है. फिर वो आगे बताता है कि हाउ मैनी काइंड ऑफ हीरोज आर देयर, काइंड ऑफ हीरोज. अब इसने कितने लेक्चर दिए थे, 6 लेक्चर दिए थे, 6 लेक्चर्स, तो इसने कितनी काइंड्स बताई होंगी, ऑब्वियसली 6 काइंड्स ऑफ हीरोज इसने बताए थॉमस कार्लाइल ने, ठीक है. सबसे पहले तो उसने बताया हीरो एज डिविनिटी, मतलब वो गॉड्स जिन पे हम फेथ रखते हैं, वो हीरो जो हम कहते, ठीक है, हीरो एज डिविनिटी. दूसरा हीरो इसने बताया हीरो एज प्रॉफिट, हम अपने नबियों पे, पैगंबर पे, मैसेंजर्स जो थे, मैसेंजर्स ऑफ गॉड. दूसरा उसने हीरो बताया कि हमारे जो मैसेंजर्स थे, लाइक जो प्रॉफिट्स थे, वो भी एज अ हीरो ही उन्होंने वर्क किया, हमारे लिए वो हीरोज ही हैं क्योंकि हम उन पे फेथ रखते हैं, ठीक है. तो पहली जो हीरो जो है वो गॉड होता है, सेकेंड हमारा जो हीरो है, जो हमारे रिलीजन का भी हमारा फेथ है, वो दैट इज प्रॉफिट्स, क्योंकि प्रॉफिट्स आर द मैसेंजर्स ऑफ गॉड, ठीक है. तीसरा जो हीरो उसने काइंड बताई, वो उसने कहा हीरो एज पोइट, ठीक है, जो पोइट्स हैं, बिकॉज पोइट्स हैव दैट इमेजिनेशन, एंड पोइट हैव दैट, लाइक दे हैव फाउंड द ओरिजिनल ट्रूथ, ठीक है, पोइट्स को मिली. जिस तरह आप वर्ड्सवर्थ को ले लें, वर्ड्सवर्थ जो है वो नेचर के बहुत ज्यादा करीब था, ठीक है. ये जब मैं आपको हीरो एज अ पोइट पढ़ाऊंगी तो मैं आपको समझाऊंगी कि उसने हीरो एज अ पोइट क्यों कहा है, क्योंकि जो शायर होते हैं उनकी जो इमेजिनेशन होती है वो बहुत ज्यादा डीप होती है,
ठीक है, वो जो वो चीजें सोचते हैं और सारा कुछ करते हैं, वो हम लोग एक आम इंसान जो है वो वहां तक नहीं पहुंच सकता, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उतनी नहीं होती। तीसरा इसने हीरो बताया, हीरो फोर्थ हीरो है हीरो एज प्रीस्ट। ठीक है, प्रीस्ट क्यों, हमारे जो मंदिर के पुजारी हो गए, मस्जिद के आलिम हो गए, ठीक है, इमाम हो गए, ठीक है, जो है चर्च होगी उसके पोप हो गए, ठीक है, हम लोग किन पे यकीन करते हैं फिर, हम अपने इन जो उलमा हैं हम इन पे यकीन करते हैं। ठीक है, तो हीरो एज प्रीस्ट, हमारे जो टीचर्स हो गए वो भी एक किस्म के हमें प्रीच कर रहे हैं, दे आर लाइक टीचिंग का समथिंग, तो वो भी हीरो एज प्रीस्ट में शामिल होंगे। फिर उसने बताया हीरो एज किंग। किंग क्यों, किंग इज अ पर्सन टू होम वी आर लुकिंग फॉर। ठीक है, हम किसी भी चीज़ के लिए उसकी तरफ देखते हैं, इट इज़ द पर्सन हु कमांड्स, हु हैव द अथॉरिटी। ठीक है, हमारी स्टेट जिसको चलाती है, लाइक किंग कैन बी अ गवर्नमेंट, किंग कैन बी अ मोनार्क, ठीक है, एनी वन हु हैज द अथॉरिटी। तो हीरो एज अ किंग हम उसको भी देखते हैं और वर्शिप करते हैं, हम उसकी जो बातें हैं हम उसको फॉलो करते हैं। एंड द सिक्स्थ एंड द लास्ट इज हीरो एज मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स के एक बंदा जिसके पास थोड़ी सलाहियत है, अकल है, लाइक अकलमंद इंसान, एक जीनियस इंसान, एक इंटेलिजेंट इंसान, ठीक है, जिसके पास काफी सारी जो है वो वैल्यूएबल उसके पास जो है वो है क्वालिटीज है। मैन ऑफ लेटर मीन्स अ मैन ऑफ क्वालिटीज। ठीक है, हम उसको क्यों प्रीच करेंगे, हम उसको क्यों वर्शिप करेंगे। तो उसने ये सिक्स टाइप्स हमें बताई, हीरो एज डिविनिटी, हीरो एज प्रॉफिट, हीरो एज पोइट, प्रीस्ट, किंग एंड मैन ऑफ लेटर्स। तो मैं वन बाय वन अब आपको इसके बाद मैं इन पे लेक्चर्स दूंगी और आपको समझाऊंगी कि ये इसने इनको क्यों हीरोज कहा एंड वाई आर दे आर हीरोज। तो आई होप आपको इस लेक्चर की अब अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।